हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टूडियो में एम्ब्रोडिल डी सिरप के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। एम्ब्रोडिल डी सिरप का मेनली यूज सूखी खांसी की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस सिरप के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये सिरप कैसे काम करता है, क्या इस्तेमाल होता है, इस सिरप के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस सिरप से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको स्टूडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये 100 ml का सिरप आपको मेडिकल स्टोर पर 80 रुपये में मिल जाएगा। दोस्तों, बताई गई कीमत समय के साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। बात करते हैं सिरप में मौजूद कंटेंट के बारे में। एम्ब्रोडिल डी सिरप में डेक्सट्रोमेथोरफेन हाइड्रोब्रोमाइड IP 10 mg, क्लोफिरेनामाइन IP 2 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद क्लोफिरेनामाइन यह बॉडी में मौजूद उन केमिकल मैसेंजर को रोकता है जो नाक बहने की, छींकने की, जलन, एलर्जी का कारण बनते हैं। इसमें मौजूद डेक्सट्रोमेथोरफेन यह एक एंटी टिश्यू ड्रग के क्लास में आता है। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कफ के केंद्र पर काम करके कफ को दबाने में मदद करता है, जिससे खांसी में राहत मिलती है। बात करते हैं सिरप की यूजेस के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस सिरप का इस्तेमाल सूखी खांसी की समस्या दूर करने में, सर्दी जुकाम होने की समस्या दूर करने में, नाक बहने की समस्या दूर करने में, गले में खराश, खांसी से गले में सूखापन आने की समस्या या खराश आने की समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इस सिरप के अन्य उपयोग जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस सिरप का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते इस सिरप के डोसेज के बारे में। आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस सिरप का डोज उनसे निश्चित कर लें। याद रखें दोस्तों, इस सिरप का डोज आपके वजन और उम्र पर निर्धारित रहता है, इसलिए आप अपनी समस्या और अपना वजन अपने डॉक्टर को बताकर इस सिरप का डोज उनसे निश्चित कर ले। इसे अपने मन से घर पर न ले। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये सिरप 5 ml दिन में 2 से 3 बार अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले सकते हैं। साइड इफेक्ट इस सिरप के इस्तेमाल से नल दुष्परिणाम। यदि आपको इस सिरप में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको पता के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको पता के कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस सिरप के इस्तेमाल से आपको उल्टी, मितली, अपचन, दस्त, सुस्ती, सिर दर्द ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस सिरप को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस सिरप के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस सिरप में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस सिरप का यूज न करें। अगर आप पहले से कोई अन्य सिरप, मेडिसिन, टैबलेट ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दें। इस वजह से इस सिरप का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़कर अन्य समस्या है तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दे। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाएं ये सिरप यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। इस सिरप को इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छी तरह से चेक करें, इसे अच्छी तरह से हिलाएं और बाद में इसे इस्तेमाल करें। इस सिरप के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।